Asus Zenfone 9 के स्पेक्स एंड डिजाइन लीक हो गया है, जिसकी मैं बात करने वाला हूं और ये काफी अच्छे अच्छे फीचर के साथ आने वाला है। पहले मैं बता दूं कि Asus Zenfone 8 जो था वो लास्ट ईयर का वन ऑफ द ओनली कॉम्पैक्ट एंड्रॉइड फोन था, जिसमें केवल 5.9 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले थी, इसलिए इसे वन ऑफ द कॉम्पैक्ट एंड्रॉइड फोन बोला जाता था। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि Zenfone 9 में भी सेम साइज की 5.9 इंच की Samsung एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है एंड इसमें भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड पंच होल कटआउट है लेफ्ट कॉर्नर पे। और यदि मैं बोलूं तो इट्स रियली गुड साइज फॉर वन हैंड ऑपरेशन। एग्जांपल के लिए जैसे आप ट्रेवल कर रहे होते हो, एक हाथ आपका बिजी होता है, उस टाइम पे ये काम आता है। एनीवे प्रोसेसर की बात करें तो इसमें लेटेस्ट पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 है। लास्ट ईयर Zenfone 8 में 4000 mAh की बैटरी थी, जो थोड़ी कम थी, लेकिन इस बार आपको 4300 mAh की बैटरी मिलने वाली है। तो बैटरी कैपेसिटी अभी भी थोड़ी कम है, लेकिन जो चिपसेट यूज किया गया है 8 प्लस जेन 1 वो काफी पावर एफिशिएंट चिपसेट है, तो आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो आप कैमरा मॉड्यूल देख सकते हो, काफी बड़े बड़े कैमरे और इसमें डुअल सेटअप कैमरा है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी MX766 कैमरा सेंसर है और भी काफी सारी चीजें, जैसे कि ये फोन आपका IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है एंड इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। जैसे कि ये फोन थोड़ा महंगा होने वाला है तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए। साथ ही में स्टीरियो स्पीकर मिलता है और सबसे अच्छी बात आपको टॉप पर हेडफोन जैक भी मिलने वाला है, तो ये काफी अच्छी बात लगी मुझे Asus की। तो ये था Asus Zenfone 9 और इसकी प्राइस 50 से 60 के होने वाली है। प्राइस अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अराउंड इतने तक ही होगा। और यदि आप 30K से 40K के अंदर अच्छा गेमिंग फोन लेना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।